हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्रिंसेस कट का बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पर देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 34 साइज का ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर मैंने मेन फैब्रिक लिया है, 1 मीटर लिया है मैंने अस्तर का कपड़ा। तो अस्तर के कपड़े को आपको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पर अगर आप बड़ी स्लीव्स निकालना चाहें तो साइड से आपकी स्लीव्स बराबर से निकल जाएगी। तो अस्तर के कपड़े के बंद भाग को हमने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है यहाँ पर। और ब्लाउज की जो लंबाई रहेगी वो ले रही हूँ मैं 13.5 इंच। और तैयार इसमें देखिए 13.5 इंच तैयार करेंगे, इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर हमने टोटल लेंथ लेनी है। तो आपको जितनी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 34 साइज में बोट नेक के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर एंड आर्म होल रखने हैं 7 इंच, शोल्डर और आर्म होल 7 इंच लेने हैं। अगर आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग नहीं पता है मेजरमेंट तो बोट नेक का चार्ट भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें से अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट आप जान सकते हैं। तो शोल्डर एंड आर्म होल 7 इंच लिया है, चेस्ट का चौथा भाग ले लेना है हमें यहाँ पर 8.5 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, 1 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरीके से। नीचे से कमर का मेजरमेंट ले लेंगे, कमर 28 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लीट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग कर ली है मैंने। और सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच का आपको यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से। तो बैक में मैं यहाँ पर डीप नेक बना रही हूँ वी शेप में, तो मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा 1/2 इंच नहीं लिया है। अगर आप इसे बैक ओपन पर बना रहे हैं और ऊपर कोई डिज़ाइन डाल रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो फिर 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा हाई हुक की पट्टी का। मैंने यहाँ पर डीप रखा है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और ये बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है, 1/2 इंच का आपको शोल्डर को डाउन रखना है। अब हमने करनी है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फिर से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे, कपड़े का बंद भाग आपको अपनी तरफ ही रखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे इस तरीके से रख लेना है। बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रख लिया है और फ्रंट पार्ट में आपको टोटल लेंथ में 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो जितनी लेंथ हमने रखी थी यहाँ से देखिए नीचे से मैंने 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहाँ पर अब हम एज इट इज मार्किंग कर देंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा बैक पार्ट है वैसी ही मार्किंग आपको इसके ऊपर कर लेनी है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने नीचे से लेंथ में। अब आपको साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो नीचे से लेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा और आर्म होल्स तरफ से लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हमने कट कर देना है। अच्छे से आर्म होल की फिनिशिंग यहाँ पर कर देंगे। तो इस पूरे वीडियो को देख के आप एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनाना सीख सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैंने बैक पार्ट और फिटिंग कैसे लगानी है आपको ब्लाउज में वो भी बताया है। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग कर दिया है, अच्छे से यहाँ पर इसकी फिनिशिंग कर देंगे। फ्रंट का क्या मेजरमेंट रखना है आपको, देखिए इस तरीके से 34 साइज में प्रिंसेस कट का मार्किंग कीजिएगा। सबसे पहले हम आर्म होल की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। देखिए जब भी आप बोट नेक या कोई भी कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आर्म होल का शेप अच्छे से आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आप 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर दीजिएगा, इसके बाद 7 इंच जितना हमने आर्म होल लिया है उसे भी आप मार्क कर लीजिएगा देखिए यहाँ पर। और आपको यहाँ पर पौना 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। बोट नेक ब्लाउज में आपको गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी होती है, डीप नेक में हम कम देते हैं। बोट नेक में देखिए आपको इस तरीके से गहराई देनी होती है, अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए पहले आप शेप दीजिएगा, उसके बाद आर्म होल को छांट लेना है। इसके बाद 1/2 इंच का जो शोल्डर हमने मार्किंग किया था उसे भी मैंने डाउन कर दिया है। अब हम करेंगे प्रिंसेस कट की मार्किंग। तो नीचे देखिए विड्थ से आपको लेना है 3 इंच, नीचे चौड़ाई में आप 3 इंच लीजिएगा,
ऊपर टक्स पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हम 10.5 इंच पर 10.5 इंच पर मार्क किया है, और जहाँ पर टक्स पॉइंट का मार्किंग हमने किया है वहाँ से आप 3.5 इंच लीजिएगा विड्थ में। यहाँ पर चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है, नीचे 3 इंच लिया था। इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। अब हमने इस लाइन को आर्म होल्स तरफ मिला देना है शेप देते हुए। देखिए थोड़ा सा शेप देते हुए आपको मिलाना है यहाँ पर। यहाँ पर विड्थ में टक्स लीजिएगा कोना 2 इंच, 1.75 इंच, और लेंथ में लिया है हमने 2 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट के टक्स की मार्किंग की है। प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हम हल्के हल्के हाथों से। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच आपको ऊपर की तरफ करते हुए मिला देना है ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा सेम आए। तो यहाँ पर देखिए बराबर करते हुए हमने इसकी कटिंग कर दी है। नीचे से 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है, उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं आपको गला बता देती हूँ कितना रखना है। बैक पार्ट का गला मैं आपको स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी। 4 इंच के रखनी है हमें गले की चौड़ाई, और 3 इंच ली है लंबाई। लंबाई आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं इस डिज़ाइन में। तो विड्थ ली है 4 इंच, लंबाई ली है 3 इंच, और दोनों तरफ से आपको इसे शेप दे देना है। बैक पार्ट का भी हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो ये सारे पार्ट मेरे आगे पीछे के कटिंग हो गए हैं। तो अब मैंने इन्हें मेन फैब्रिक जो होता है हमारा कपड़ा, मेन कपड़े पर रखकर भी कटिंग कर लिया है। स्लीव्स की कटिंग मैंने नहीं की है। आगे के वीडियो में आपको स्लीव्स डिज़ाइन में इस वीडियो का अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट तैयार किया है। अब देखिए हमें मेन फैब्रिक को नीचे रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है उसे हमने कटिंग करके निकाल देना है। इसी तरीके से आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी अटैच कर देना है। दोनों पार्ट इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। अब हमें गले की डिज़ाइन बनानी है। तो एक पेपर का पीस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसे डबल फोल्ड करके रखा है। और यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ हम रखेंगे 2.25 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.25 इंच लिया है, और विड्थ में लिया है मैंने 1 इंच। यहाँ पर इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें एक बहुत ही सुंदर छोटा सा पत्ती का शेप देना है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से शेप दे दें। और यहाँ पर ये सिंपल पेपर लिया है मैंने, इस पेपर से ही हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस शेप को आपको कट कर देना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप यहाँ पर ही आ गया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे हमारे फ्रंट वाले पार्ट को। तो देखिए इसे आपको पहले डबल फोल्ड करना है, इसमें सेंटर में मार्किंग करेंगे हम। डबल फोल्ड करते हुए आपको सेंटर मार्क करना है, सेंटर निकाल लेना है यहाँ पर इस तरीके से। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इस पैटर्न को सेंटर से रख लेना है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ये वाला पैटर्न। और इस पैटर्न को आप चाहें तो इस तरीके से पिन भी लगा सकते हैं। और अब आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। तो इस तरीके से देखिए आपको मार्किंग करनी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए फिर से मार्किंग करेंगे। देखिए गैप आप बिल्कुल बराबर से छोड़िएगा, नहीं तो ये पलटने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपको इस डिज़ाइन को। तो 1 इंच का गैप आप कम से कम छोड़ते हुए यहाँ पर फिर आप दूसरे वाले पैटर्न को रखिएगा। यहाँ पर दूसरा पैटर्न ड्रॉ करेंगे 1 इंच का गैप छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से आपको नेक के यहाँ से 1 इंच गैप छोड़ देना है, और इस पैटर्न को इस तरीके से रख लेना है और मार्किंग कर लेनी है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी ये दो शेप और बना लेने हैं। ये देखिए ये शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है जिससे कि नेक अच्छे से कवर हो जाए। उसे आपको कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस से चिपका लेना है। इसे आपको नीचे की तरफ रखना है, कपड़े वाला भाग ऊपर रहेगा और पेपर पेस्टिंग वाला भाग नीचे रहेगा। इसके बाद ये जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर सभी पे आपको पिन लगा देनी है। देखिए अच्छे से आप इसे पिनअप कर लें।
तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। मशीन के टाके को छोटा रखना है आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये देखिए ये जो पत्तियों का शेप है ये हम बनाएंगे इस तरीके से। और जब आप मशीन को यहाँ तक लेके आते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा गैप आप छोड़ दीजिएगा इसमें सिलाई को कट करने के लिए। जब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे तो यहाँ पर ये जो पत्ती का पॉइंट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा गैप रखना है, ताकि इसे जब हम कटिंग करें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के लिए तो हमारी जो सिलाई है वो ना कटे। तो उतना गैप आप छोड़ के सिलाई लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो पूरा ही नेक हमने सिलाई लगाकर इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसे नेक की सिलाई मैंने कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर आपको थोड़ा गैप रखना था इस तरीके से सिलाई लगाने के लिए। तो जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा गैप आप यहाँ पर रहने दें, ताकि जो सिलाई है वो अच्छे से कट जाए। पूरे ही नेक पे आपको अच्छे से फिनिशिंग करनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके, और पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। छोटे छोटे कट लगाने से गला जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। और ये जो पैटर्न है आपको वो थोड़ा ध्यान से पलटना है, ताकि वो अच्छे से बाहर की तरफ आ जाए और आसानी से ही निकल जाए। तो पेंसिल से आप इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो इजीली ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो एक पैटर्न मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है, बाकी सारे पीस इसी तरीके से निकाल लिए हैं। और अब हमने गले के नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है और इसे फोल्ड कर देना है। तो आप चाहें तो गोलाई देते हुए फोल्ड कर लें या चौकोर में ही कर लें, बाद में आप इसकी तुरपाई ज़रूर कर लीजिएगा अंदर की तरफ। तो नेक पे मैंने अच्छे से फिनिशिंग यहाँ पर दे दी है। इसके बाद हमने इस पे मोती स्टिच करना है। तो मोती का साइज़ आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का मोती लिया है। और सुई धागे से आपको इसे अच्छे से पक्का करना है। उसके बाद एक मोती को इस तरीके से लेना है और इसके साथ टक कर देना है। सेम इसी तरीके से पूरे नेक पे हमने मोती स्टिच कर देने हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से इसे नॉट लगाकर पक्का कर देना है। अब हम दूसरे पैटर्न पे भी मोती स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है और ये जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो आप भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए, देखिए यहाँ पर कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है और इसे नीचे से ही अटैच करना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से नीचे से ही अटैच करेंगे। अगर आर्म उस तरफ कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आर्म होल को छाट रही हूँ, इस तरीके से बराबर कर देंगे। इसके बाद हमें लगानी है नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरीके से लगा सकते हैं। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हमने कमर पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड और इस तरीके से एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। ये देखिए तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। नेक विड्थ रखनी है 4 इंच, गले की लंबाई आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, मैंने 10.5 इंच लिया है। तो डीप वी शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, इसे बीच में से ओपन कर दिया है और इसे फ्रंट पार्ट को भी हमने बीच में से कट कर लेना है। ये जो बैक पार्ट है इसका मेन फैब्रिक भी मैंने बीच में से कट कर दिया है। और अब हमने यहाँ पर रखना है नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अस्तर वाला कपड़ा। तो साइड में मेरा फैब्रिक थोड़ा कम है तो गले का फैब्रिक निकाल के मैं यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। एक सिलाई गले की पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा देनी है और अब हमने गले के ऊपर एक सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा देनी है नीचे अस्तर को अंदर की तरफ करते हुए। इसके बाद हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ मेरे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। बैक पार्ट में मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, इसे सिंपल तरीके से ही बनाया है। इसके बाद हमने दोनों ही तरफ कमर में प्लिट्स लगा देनी है 4 इंच की लंबाई में।
दोनों तरफ की प्लेट्स लगा ली है मैंने, और इसके बाद मैं लगाऊंगी हाई हुक की पट्टी। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, और इस ब्लाउज को आप साइड जिप या साइड हुक के साथ भी तैयार कर सकते हैं। साइड हुक और साइड जिप के दोनों ही वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाई की पट्टी कंप्लीट कर दी है, इसके बाद मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी आपको इस तरीके से लगा देनी है। हाई हुक की पट्टी कंप्लीट करने के बाद आपको दोनों को इस तरीके से बराबर करके चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है नीचे की तरफ से। अगर हो रहा है तो कटिंग करके आप बराबर कर सकते हैं इसे। इसके बाद अब हमने यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा देनी है। कमर पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं करूँगी इसका शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर आपको देखिए इस तरीके से जॉइंट करना है। यहाँ पर बैक पार्ट को नीचे रखना है और फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए गले की तरफ से इसे बिल्कुल बराबर रखना है और शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने शोल्डर को जॉइंट करना है। एक सिलाई फिर से पक्की करके इसके ऊपर लगा देनी है, एक सिलाई कॉर्नर की लगा देनी है ताकि धागे ना निकले। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के लिए हमने फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क किया है, बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए पिन लगा देनी है। साइड से आपको चेक करना है कि कहीं से कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। अगर आप चाहें तो एक बार मेजरमेंट लेके कट कर लें। आर्म होल्स तरफ से भी मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग की है, और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी इसे कट कर लिया है। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो स्लीव्स डिज़ाइन है उसका वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।